हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बिना यीस्ट के पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आप इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं क्योंकि ये घर पर बनकर तैयार हुआ है और इसमें कोई मिलावट नहीं है और बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें मैं 1/2 कप दही ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून शुगर। शुगर जरूर ऐड करें, ये डो को फर्मेंट होने में हेल्प करता है तो इसे जरूर डालें आप। और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे और हाथ की हेल्प से हम इसका एकदम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अगर आपका डो जो है वो ज़्यादा टाइट हो तो आप इसमें दही का ही यूज़ करें, पानी ना ऐड करें इसमें। तो अभी हम हाथ पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर इसका एकदम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से मसाज देंगे हम इसको। तो अभी हमारा डो लगकर तैयार हो चुका है तो हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे क्योंकि मैं इसे तुरंत बना रही हूँ। अगर आप थोड़ी देर में बना रहे हैं तो आप इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखें। जब तक हमारा डो सेट होता है तब तक हम अपनी कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कढ़ाई में पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो अभी हम इसमें सबसे पहले नमक डाल देंगे कढ़ाई में ताकि हमारे पिज़्ज़ा को डायरेक्ट हीट ना लगे, अदरवाइज वो जल जाएगा। अभी मैं इसमें इस तरीके का स्टैंड सेट कर दूंगी। आपके पास स्टैंड नहीं है तो किसी कटोरी का भी यूज कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर प्रीहीट कर लेंगे। जब तक ये प्रीहीट होता है तब तक हम देख लेते हैं पिज्जा को बेक किस में करेंगे। तो पिज्जा बेक करने के लिए मैंने इस तरीके से एक प्लेट ले ली है जिस नॉर्मली घर में यूज जो होती है। अगर आपके पास ऐसी प्लेट नहीं है तो आप किसी ढक्कन का भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपका पिज्जा अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी हमारा 10 मिनट बाद डो जो है वो सेट हो चुका है, रेस्ट कर चुका है क्योंकि मैं इसे तुरंत की तुरंत बना रही हूँ। अगर आप तुरंत नहीं बना रहे हैं तो आप इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखें। तो अभी हम इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे डो को। 1 कप मैदा में 2 मीडियम साइज के पिज्जा बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। बॉल बनाने के बाद मैंने एक प्लेट में सूखा मैदा ले लिया है ताकि ये सरफेस पर चिपके नहीं और इजीली हम इसे बेल सकें। तो सूखा मैदा लगाकर हम इसे हल्के हाथ से बेलन की हेल्प से बेल लेंगे और इसे हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा बेलेंगे। इस तरीके से मीडियम साइज का ही बेलेंगे। बेलने के बाद मैं साइड को इस तरीके से प्रेस कर दूंगी इसकी साइड्स को और एक होल की हेल्प से बीच में से मैं इस तरीके से छेद कर दूंगी ताकि हमारा पिज्जा फूले नहीं। छेद करने के बाद हम इसको जो हमने प्लेट ली हुई है बेक करने के लिए उसमें हम सेट कर देंगे अच्छे से। तो अभी सेट करने के बाद मैं इसके बेस पर सॉस लगा देती हूँ। नॉर्मली जो हम घर में सॉस यूज करते हैं उसी को आप यूज कर सकते हैं इसमें। और साइड में हम नहीं लगाएंगे सॉस, आप देख सकते हैं मैंने बीच के पार्ट पर ही लगाई है। तो अभी मैंने यहाँ पर प्रोसेस चीज़ का यूज़ किया है तो मैं थोड़ी सी प्रोसेस चीज़ डालूंगी नीचे और थोड़ी सी बाद में डालेंगे। अगर आपके पास मोजरेला चीज़ है तो आप उसका यूज़ करें, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा आपका उससे। तो चीज़ को डालने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेजिटेबल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च को इस तरीके से काट लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं जो आपको पसंद है। प्याज ऐड कर लेंगे जो मैंने इस तरीके से इसमें काट कर रखी हुई थी। और टमाटर लंबे लंबे काट कर रखे हुए थे मैंने जो, उनको इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद अभी हम इस पर ऊपर से चीज डालेंगे। उससे पहले मैं साइड में बटर लगा दूंगी ताकि इसकी जो एजेस हैं वो जले नहीं इस तरीके से। तो अच्छे से बटर लगा दें और उसके बाद अभी हम इस पर चीज डाल देंगे जो बची हुई है। चीज को डालने के बाद
हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। जिस कढ़ाई को हमने प्री हीट करने के लिए रखा था उसी में हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। 15 से 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा पिज्जा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो अभी इसे बाहर निकाल लेते हैं हम। तो अभी मैं आपको इसे बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पिज्जा है वो बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार हुआ है और घर पर बना है, तो हम इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप इस पर चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डालकर खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है ये। अभी मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा पिज्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।